ऐसे तो नहीं बन जाती ना बॉडियां. ब्रिंग इन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस. अब मैंने सॉरी लोहे को जुड़ जाते हैं. गुड इवनिंग हो गई है हमारी और डे टू है. यस्टरडे आई हैड अ सिंपल डे बट यस्टरडे वी वर ऑन स्पॉट. आई शोड यू माई कैलोरी काउंटर. इट वॉज अबाउट 237 प्रोटीन. थोड़े से फैट्स ज्यादा थे 3-4 ग्राम बट आई टोल्ड यू कि फैट्स की इतनी टेंशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस वी आर इन डेफिसिट. तो इसने बैंड ने शोड मी कि 2500 कैलोरीज आई बर्न और ये तो वो, लेकिन आई नो कि माई बॉडी इज बर्निंग अबाउट 28-3000 बिकॉज जो वर्कआउट होता है वो काउंट ये नहीं करता बट दैट्स द मेन पार्ट. अच्छा आई थिंक स्टिल माई बॉडी विल टेक अबाउट 2-3 days टू गेट बैक इन टू दैट रेडी स्टेट रिकवरी मोड में बिकॉज टू द लिमिट बिकॉज आई वॉन्टेड टू कि इसको एक जोल्ट आए. कल से हमने अंडे खाने शुरू कर दिए तो दैट्स अबाउट 50 grams ऑफ प्रोटीन 12 अंडों में वाइट्स में. आज भी मेरे अंडे रेडी हैं. द प्रोटीन इज विद मी. एवरीथिंग इज सॉर्टेड बिकॉज नाउ आई एम ऑन ट्रैक. आई गॉट अप एट 11:30. उसकी वजह ये थी आई नो कि थोड़े दिनों बाद चीजें मेरे लिए मुश्किल होंगी. आई विल बी गेटिंग अप एट अबाउट 9-8 और हिटिंग जिम स्ट्रेट अवे क्योंकि आपको अपनी जिंदगी को फिर उस हिसाब से मोल्ड करना है. अब मैं चीजें रोक नहीं सकता जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू लुक गुड. तो ओवरऑल यू कैन हेयर माई एनर्जी बिकॉज मैं अब बहुत मोटिवेटेड हूँ बिकॉज इट्स बीन अबाउट 19-20 days और हम लोग ऑन ट्रैक है थैंक्स टू यू गाइज. आगे जाके आई विल एड ऑन सो मेनी अदर थिंग्स सो यू हैव टू स्टे विद मी. टुडे आई एडेड द गार्लिक. अगर तुम लोगों को सुबह मैंने दिखाया तो गार्लिक का क्या सीन है वो यूट्यूब भरा पड़ा है लेकिन स्टिल आई टेल यू ब्लड साफ करता है मेटाबॉलिज्म में मदद करता है फैट लॉस में सब कुछ खाली पेट. तो अब देखो दो ऑप्शंस है. आई बॉट दिस जीएनसी वाला राइट क्योंकि मुझे वो जो असली गार्लिक खाने में जरा मसला होगा और जरा मैं ऑफ होता हूँ. तो यू कैन ईट दैट क्योंकि वो तो सस्ता है वो तो घर में पड़ा है सब्जी पड़ी है घर में. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को खुद सॉर्ट आउट करनी है कि मैंने पैसे कैसे बचाने हैं क्या सीन है. तो ये आपने करना है आपने खुद अपने सोर्सेज अरेंज करने हैं. मैंने ये खाया है मेरे पास पैसे नहीं होंगे जिस टाइम थोड़े हालात खराब होंगे. अभी तो आई हैव दिस बजट कि मुझे इसमें अपनी बॉडी मेंटेन करनी है. तो आपने ऐसी चीजें ढूंढनी है. तो गार्लिक आ गया है लाइफ में ब्लड साफ करना है सब कुछ रहना है. एनीवे जिम आ गया हूं मैं. इट्स गोइंग टू बी अ टफ डे बिकॉज आई हैव सीन द वर्कआउट ऑलरेडी. तो अल्लाह का नाम लेते हैं. पीछे जुनून चल रहा था सुबह सुबह फटे चक लैन दे के मूड में था मैं लेकिन अब इंशाल्लाह करते हैं मेहनत. और आज से साउंड अच्छा हो जाएगा. गाड़ी का एक अलग माइक कर दिया शेख ने. तो आ जाओ फिर जरा लोहे को जुड़ जाते हैं.
चक लैंड दे नीचे दे देगा मुझे बस वाला। ठीक है भाई, मजा आ गया। एंड ही मजा आया है क्योंकि ब्रूटल एक्सरसाइज यार, आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ। इतना लंबा वर्कआउट है, आई वॉज रशिंग, आई वॉज रनिंग, एक गेम छोड़ के दूसरी, स्टिल इट टुक अबाउट 2 hours 40 minutes, fuck। तो करेंगे इसको, कल का प्लान ये है कि यार कल 12 बजे से पहले जिम होना है, क्योंकि आज टुडे आई हैव अ मीटिंग, कल भी है, तो अगर इसी तरह चलता रहा तो सारा काम धंधा छोड़ के हम इसी काम पे लग जाएंगे, तो हमें अपनी लाइफ को सीधा करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रोटीन सीधी हो रही है, जैसे कैलोरी काउंटर आ रहा है, सब कुछ, ये मैं पहले दिन से आप लोगों को बता रहा था कि यार पहले दिन से नहीं करना कि यूं हूं हूं, टाइम विल कम। आज मैं अपनी जरूरत से, बिकॉज आई फेल्ट कि यार माय मसल इज गोइंग, मेरा आई एम लूजिंग मसल, सो आई नीड टू कम बैक। ये ना हो इतना कम कर दूं कि कल को बिल्कुल ही, जो मेरा थ्योरी है कि बिल्कुल मजदूर नहीं लगना, उसी के अगेंस्ट हो जाए। अब जल्दी से समरी पे आता हूँ। अ वेरी गुड वर्कआउट जो ऐप है, इट्स इन द लास्ट डेज, ये बिगिनर्स उसका स्टेटस है, ये बिगिनर्स वाली ऐप है, इसके बाद सेकेंड स्टेज पे जाना है अभी, सो डे 21 इज डन ऑफ दैट। जो ऐप का पूछ रहे हैं यार लोग, आई हैव मेड अ वीडियो, उसका नाम भी बता दिए, तो आप वहां जाके वो ऐप्स देख सकते हो विच आई फॉलो, गुड ऐप्स। रेजिस्टेंस बैंड जो है वो यूज करना शुरू कर दिया, ये मेरे मुंह से नहीं निकलता, तो वो मैंने यूज करना शुरू किया, एंड इट जस्ट इट वॉज अमेजिंग यार, वो जो पंप आया है एब्स में, तो ये बात मैं करने वाला हूँ थोड़े दिन में, बैंड एड कर लूंगा, आई विल नॉट गो फॉर द प्लेट्स, क्योंकि वो उठाने में शोल्डर आ जाता है बीच में। लेग रेजेस हम गेम्स बदलेंगे, मैं जरा नीचे वाले फ्लोर पे जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल एब्स आई एम हैप्पी विद माई एब्स, आई हैव द साइड्स, लेकिन साइड्स आर द मोस्ट स्टबर्न पार्ट, उस पर हमें आखिरी 40 डेज में काम करना है, वी स्टिल हैव 70 डेज इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो। एनीवे यार वर्कआउट वाज अमेजिंग, शोल्डर बहुत वाला पंप हुआ, ये शर्ट खड़ी हो गई, बाजू खड़ा हो गया, प्रोटीन इज हियर, हाथ में एल-कार्निटिन है, अंडे मेरे बैग में है, प्रोटीन मैंने पी लिया है, खाना मंडता हूँ, फिर अंडे खाऊंगा, वॉक का टाइम वही 9 बजे है, तो चलो दिन का शुरू करते हैं। और जो लड़के मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं, जो प्लान फॉलो कर रहे हैं, दे नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स, तो टेंशन नहीं लेनी, समझ लो कि एक एपिसोड किसी चीज का यूट्यूब पे जो टाइम जाया करते हो वो ना करो, और ये एक घंटा जो एक्स्ट्रा लग रहा है, नॉर्मल लड़के 15-20 मिनट में जिम से निकल जाते हैं, लेकिन अगर सिम्बा बनना मेरी जान तो टाइम तो देना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बन जाती ना बॉडियां, तो शुरू करो दिन मेरे साथ। इट्स 9 PM और बिकॉज आज डे जरा ड्रैग हो गया मेरा, तो खाना डाइट पूरी करने में आई हैड 10 eggs, 2 नहीं खाए गए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने। आई एम ऑफ टू माई वॉक बिकॉज आई एम डन विद माई डे, ऑफिस इज डन, नथिंग एल्स टू डू, सो चलते हैं वॉक पर उसके, और फिर कैलोरी काउंट करेंगे। आज हमारा PPI का प्रोटीन भी खुलना है जो कि आइसोलेट है, सो वी आर डन विद द वे प्रोटीन, तो वहाँ से भी थोड़े से फैट और कार्ब्स कम होने वाले हैं, तो लेट्स सी कहाँ चलती है। मेरी जो स्ट्रगल है वो शुरू हो गई है टू गेट टू माय प्रोटीन लेवल्स विच इज अबाउट 210, लेकिन आई एम ट्राइंग टू हिट द 230-240 का मार्क, अ गुड डिसेंट लुकिंग मसल, नॉट अ बिग मसल बट डिसेंट लुकिंग जूसी मसल, जूसी होना चाहिए, तो चलो वॉक पे चलते हैं यार, और बातें कम करते हैं काम ज्यादा। पहले मैं जूस पीता हूँ फिर बात करते हैं। वाह रे वाह, मजे आ गए हैं, डन विद माय वर्कआउट्स, डन विद माय वॉक, सारे काम हो गए हैं, टाइम है 10 बज रहे हैं और हम सुबह की 2-3-4 shirts गीली करने के बाद, बहुत ज़्यादा पसीना निकालने के बाद, वी आर डन। ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा, टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ मैच डे, अभी मुझे पता चला है, और मे बी डे आफ्टर टुमारो। वो लड़के जो अपना मसल मेंटेन करना चाहते हैं, रिमेंबर अगर आप इतना वर्कआउट करते हैं, द वर्कआउट्स वी आर डूइंग राइट नाउ, अंधे को भी समझ आ रही है, इट्स ऑल टुगेदर इट्स मोर देन 3 hours,
सो यार वो जो बॉडी हमें चाहिए, द श्रेड वी वांट, द कट वी वांट, द क्लैरिटी वी वांट, और अभी तो इनिशियल इज जस्ट वीक 3 का, डे 2 इज ओवर, अभी तो दोस्तों बहुत लंबा सफर है. लेकिन डे बाय डे यार मोटिवेशन मेरी ऊपर ही जाती जा रही है आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स, क्योंकि आप लीन हो रहे हैं, यू नो शर्ट है ढीली, बॉडी कट आ रही है. मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन की इंटेक बड़ी करूँगा. अभी हम मेन वन मील पर हैं सुबह के टाइम, और उसके बाद ये बाकी चीज़ें पूरी करता हूँ, प्रोटीन पाउडर्स. आज से मेरा आइसोलेट शुरू होगा, तो मैं लेकर जाऊँगा इसको 300 तक लेके जाऊँगा, 300 ग्राम तक, लेकिन वो एंड तक, और तब तक आपको खुद ही नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी गुड, आई एम पॉजिटिव. जो लड़के मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से गुड लक, और जो देख रहे हैं थैंक यू, और जिनके कल को काम आएगी एडवांस में वेलकम, तुम लोगों का थैंक्स जवाब दिया. सो आई एम डन विद द डे मेरे जान, कल मिलते हैं नए दिन के साथ, तो जिंदाबाद.